नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजीत भाई है और मैं अपोलो कैंसर सेंटर रॉयल हॉस्पिटल चेन्नई में सीनियर कैंसर सर्जन और कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। अभी तो कोरोना का महामारी का साया पूरा दुनिया पर छा गया है और अगर आप कैंसर के मरीज हो तो डेफिनेटली आपके मन में शंका, वहम और भय तो रहेगा कि अस्पताल खुला रहेगा कि नहीं, आपका जो ट्रीटमेंट है उसमें कोई रुकावट तो नहीं रहेगा, कैंसर बढ़ेगा या फैलेगा तो नहीं ये रुकावट की वजह से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप तो निश्चित रहें, अस्पताल तो 24 घंटा खुला है, सब सर्विसेज OPD, ऑपरेशन थिएटर, लैब फैसिलिटीज, स्कैंस, PET-CT, बायोप्सी का फैसिलिटीज सब तो खुले हैं आपके लिए। हाँ, थोड़ा तो बदलाव है हमारे जो अप्रोच और ट्रीटमेंट। आप अस्पताल खाली अपॉइंटमेंट से आएँ और जब भी आएंगे एक ही अटेंडेंट आपके साथ रहना चाहिए, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और कम लोग रहना चाहिए अस्पताल में कोई एक पॉइंट पे। कैंसर के मरीज हो तो आप चार वर्ग में से एक हो सकते हैं। पहला वर्ग ये है कि आपका कैंसर का डायग्नोसिस हुआ नहीं है, आपको गांठ है स्तन में या मुँह में छाला है या आपको पैखाने के रस्ते से खून बह रहा है, वजन कम हो गया है, तो आप तुरंत अस्पताल आए, डायग्नोसिस करें और हम आपको बता दें कि कैंसर का क्या स्टेज है, कितना फैला हुआ है और क्या ट्रीटमेंट है। दूसरा वर्ग ये है कि आपको कैंसर का डायग्नोसिस तो पता है, आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आगे क्या करना। 90% कैंसर 6 से 8 हफ्ता रुकने से कोई हानि नहीं रहेगा, कैंसर बढ़ेगा नहीं या फैलेगा नहीं। कोई कोई स्थिति ऐसा है जिसमें जल्दी ट्रीटमेंट करना जरूरी है, जैसे सांस का तकलीफ है कैंसर की वजह से या पेट का काम नहीं हो रहा है, आँख में रुकावट है, उल्टी हो रहा है या पैखाने के रास्ते से खून बहुत बह रहा है, तो पेट कैंसर से भरा है, ऐसी स्थिति में आपके डॉक्टर आपको इमरजेंसी में एडमिट करके जल्दी ट्रीटमेंट करेगा, इवन सर्जरी अगर जरूरत पड़ा तो। तीसरा वर्ग है कि आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया और आपको कीमोथेरेपी रेडिएशन बताया सर्जरी के बाद, या वो प्राइमरी ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर ने बताया कि लेना है। कीमोथेरेपी काफ़ी टाइम कोल्ड कीमोथेरेपी आप ले सकते हो घर पे सेफली, इसके लिए ज़्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर को टेलीमेडिसिन के द्वारा कंसल्ट कर सकते हो, आपको रिपोर्ट बता सकते हैं। अगर रेडिएशन का ज़रूरत है वो तो चलेगा क्योंकि 5 दिन हफ्ते में तो चलना पड़ेगा जब तक कंप्लीट हो जाता है। अगर आप कैंसर मुक्त हो और आपके डॉक्टर ने आपको 3 या 6 महीने में साल में एक बार चेकअप कराने को बोला है तो आप डेफिनेटली इसको डिले कर सकते हो। आप टेलीमेडिसिन के द्वारा डॉक्टर को कंसल्ट करें, डॉक्टर ने आपको देख के बताया कि आप तंदुरुस्त लग रहे हो तो तुरंत आने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर के बाद से 1-2 महीने के बाद जब महामारी का साया जब निकल जाएगा तो आप आ सकते हो, या सिंपल टेस्ट जैसे मैमोग्राम नेटवर्क लोकल लैब में अगर आप चेन्नई से नहीं हो करके डॉक्टर के पास आप भिजवा सकते हो। और एक मेरी विनती है कि आप सब पालन करें गवर्नमेंट और WHO का जो नियम है, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें 3 से 6 फुट बाकी लोगों से, हाथ अच्छे से धो लें, मास्क पहन लें जब भी आप बाहर जाए, और डॉक्टर नर्सेस और हेल्थ केयर वर्कर्स जो आपके लिए लड़ रहे हैं उनका हमेशा आदर करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, नमस्ते।